फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनवेशास क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो भी एक क्रिएटिव वीडियो है। आज क्रिएटिव वीडियो क्या है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इतने सारे ग्लासेस लगे हुए हैं और बॉटल रखे हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि हम अपने पर्सनल कैंडल लाइट होल्डर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर स्टेन ग्लास किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना जो ग्लास कलर होते हैं उनको यूज़ किए हुए। बहुत ही सिंपल और अच्छा आइडिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आपको अपने ग्लास जार या बॉटल्स या फिर ग्लासेस एज इट इज़ पुराने जैसी कंडीशन में चाहिए, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और ये केवल 2 मिनट का DIY है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लास्ट में देखेंगे इस वीडियो को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना रखें और शेयर भी कर दें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो DIY होम डेकोर और व्लॉग्स, शॉपिंग और गार्डनिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल बटन। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ग्लासेस को मैंने कर दिया है एक साइड में और उसकी जगह ले ली है मैंने ये कटोरी। कटोरी मैंने 4 ली हैं, ग्लासेस और बॉटल जो है, ग्लास जार जो है या मेसन जार जो है वो मेरे 5 हैं, और बाउल्स लिए हैं मैंने 4। अब करना क्या है इन बाउल्स का, तो इन बाउल में मैंने ले लिया है पानी। आप देख सकते हैं चारों बाउल में मैंने 5 से 6 ड्रॉप पानी लिया है। और अब करना क्या है इस पानी का, मैं ले रही हूँ ये फैब्रिक्रिल के फैब्रिक कलर। आप देख सकते हैं ये फैब्रिक कलर लेंगे, और आप चाहें तो इसकी जगह अक्रैलिक कलर भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 3 कलर चूज किए हैं, थोड़े वाइब्रेंट कलर हैं तो वाइब्रेंट कलर अच्छे लगते हैं। ये मैंने येलो लिया है, रेड लिया है और लिया है मैंने ग्रीन कलर। साथ ही अगर आपको थोड़ा शिमरी इफेक्ट देना है तो आप इसका पर्ल मेटालिक कलर ले सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये अक्रैलिक कलर इसके अंदर डाल दूंगी इस तरीके से, मैंने ब्रश में लेकर के और डाल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो पहले मिक्स, ये देखिए मैंने सारी कटोरियों में पानी मिक्स करके कलर मिक्स कर लिया है। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल हमें इसको इस तरीके से ऐसे करके पूरा इस तरीके से घुमाना है अच्छे से, और 2 मिनट तक रखना है और फिर इसको पोर कर देना। सीधा करके रख दूंगी तब तक के लिए जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाते। और देखिए फिर इसके बाद में मैं कैसे इनको डेकोरेट करूंगी। डेकोरेट होने के बाद में ये मेरे स्टेन ग्लास और जार, मेसन जार और ग्लासेस और ग्लास बॉटल कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। और आपको एक टिप देना चाहूँगी, इनको पेंट करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो, यानी कि आपने उसके अंदर ज़्यादा पानी ना मिलाया हो, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलाने से कलर उतना खूबसूरत नहीं आएगा। और बाई चांस अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो गया है तो उसके अंदर कलर और मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा ग्लू भी मिक्स कर लीजिए, नॉर्मल PVA ग्लू, तो आपका कलर बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर बन करके आएगा, जैसा कि मेरे इस वाले मेसन जार पर और ये ग्रीन कलर पर आया है। और ये ग्लासेस पर इस टाइप से थोड़ा हल्का कलर आया है क्योंकि मैंने थोड़ा लिक्विडी कलर कर दिया था। तो ये दोनों आपको फर्क दिखाने के लिए ही मैंने इसको ठीक नहीं किया था, इन 3 ग्लासेस को मैंने ठीक इसीलिए नहीं किया था कि आपको फर्क पता चले कि इनकेस अगर आपसे भी थोड़ा बड़ा ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो इसको आप फेस्टिव सीजन पर या फिर विंटर में आप इस तरीके से डेकोरेट करेंगे अपनी कॉफ़ी टेबल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। कोई भी आपने प्लांट लगाया है और ग्रीनरी ऐड करें इसके साथ में, मेसन जार में थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लगाएं या टी लाइट लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दे। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।